वह ही तेरे में छिपा हुआ
कारण
านในคำพองน้องเมฆบาเรียนพองน้องคงน้องสุดจุดเก่งสมัชนีกับประยาชียาआज त्रयोदश भावना और चतुर्दश भावना को समझना है। त्रयोदश जो भावना है वह भावना प्रवचन भक्ति भावना है। कल आपसे कहा था कि बहुशुद्ध किसे कहते हैं। बहुशुद्ध से अर्थ लिया था आगम ज्ञान, और वह ज्ञान जब व्यापक हो जाता है, जब भव्य जीवों को प्रदान किया जाता है, तो वह ज्ञान प्रवचित हो जाता है। प्रवचित की बात आती है तो एक बार दो विद्वान कहीं पर पहुंचे, और वहां पर जब पहुंचे, किसी मंदिर में पहुंचे, तो किसी श्रावक ने उन्हें निमंत्रण करके बुलाया, भोजन के लिए बुलाया। वह उसी श्रावक के घर जाकर के रुक गई। जब वे वहां पर पहुंचे, वहां रुक गए, भोजन का समय हुआ, तो एक पंडित जी, एक जो विद्वान, वह हाथ पैर धोने के लिए गया। उतनी देर में श्रावक दूसरे विद्वान से कहता है कि पंडित जी, वो विद्वान तो बहुत ज्ञानवान है, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, यहां पर यदि दस लक्षण पर्व में आ जाए तो रौनक लग जाएगी, सभी को ज्ञान मिल जाएगा। तो दूसरा विद्वान बैठा था, वह क्या कहता है, अरे वह तो गधा है गधा। क्या कहता है, वह तो गधा है गधा, उसे कहां ज्ञान है, उसे कोई ज्ञान व्यान नहीं है, पंडित बना फिरता है। उतनी देर में दूसरा जो विद्वान हाथ पैर धोने के लिए गया था, वह आकर के बैठ जाता है, और जब वह बैठ जाता है तो जो वहां बैठा हुआ था वह भी हाथ पैर धोने के लिए चला जाता है। जब हाथ पैर धोने के लिए दूसरा चला गया, तो जो श्रावक था वह कहता है, पंडित जी, जो आपके साथ दूसरे आए हैं उनकी तो ज्ञान की सीमा नहीं है,
अभी बहुत अच्छी चर्चा कर रहे थे, लगता है उनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं है। बोले क्या बात कर रहे हो, तो बैल है बैल। एक कथा हो गया और एक बैल हो गया। दोनों कौन थे? विद्वान थे। दोनों विद्वान एक कथा बन गया और एक बैल बन गया। अब श्रावक की समझ में नहीं आया क्या करे। वह अपनी श्रीमती से कहता है, श्रीमती को सारी बात बता देता है, तो श्रीमती कहती है चिंता मत करो, एक दूसरे को कथा और बैल बना रहे हैं, इनका उपाय मेरे पास है। जब वे भोजन करने के लिए बैठे तो एक के सामने भूसा रख दिया और एक के सामने चारा रख दिया। भूसा किसके सामने रखा? भूसा बैल के सामने रख दिया और चारा गधे के सामने रख दिया। जब चारा रखा और भूसा रखा, देख करके दोनों विद्वान आग बबूला हो गए। बोले ये क्या है, हम लोग भूसा और चारा खाएंगे क्या? तो श्रावक समझदार था, वह कहने लगा, पंडित जी जिसका जो भोजन है वही तो दिया जाएगा। बैल का भोजन भूसा है और गधे का भोजन चारा है। अभी आप लोगों ने ही तो बताया था आपस में कि ये गधा है और ये बैल है, तो मैंने भी सोचा कि इनको उनके अनुकूलता के अनुसार उनके अनुसार भोजन देना चाहिए, उन्हें समझ में आ जाता है। मन ही मन खेद होता है। श्रावक समझाता है कि इतना ज्ञान होने के बाद भी कहाँ भी है, पोथी पर पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। हमने कितना भी ज्ञान कर लिया, दिन रात शास्त्र पढ़ते रहे, स्वाध्याय करते रहे, लेकिन हमारे अंदर से कषाय समाप्त नहीं हुई, तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान अज्ञान है। आज चर्चा कर रहे हैं प्रवचन भक्ति भावना की, कि प्रवचन करने का अधिकारी कौन है। हम लोग कर लेते हैं वह बात अलग है, जिन्हें करना चाहिए वह हमारे बीच में नहीं है। प्रवचन की परिभाषा क्या है? प्रधन वचन, जो प्रकृष्ट वचन है, जो उत्कृष्ट वचन है, वह प्रवचन है। और उत्कृष्ट वचन किनके होते हैं? हितमित वचन, प्रिय वचन जिसे कहें,
जिसके अंदर होती है वह होते हैं प्रवचन। जब विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारी दृष्टि श्रवण की ओर चली जाती है। जब प्रवचन की बात आती है, श्रवण में बीच में सिंहासन के ऊपर चार उंगल ऊपर प्रभु विराजित हैं और प्रभु की ओंकार ध्वनि निकल रही है। बारह सभा लगी हुई है और उस बारह सभा में चार में देव बैठे हुए हैं, चार में देवियां बैठी हुई हैं, एक में मुनि बैठे हुए हैं, एक में श्रावक बैठे हुए हैं, एक में आरिका और श्राविका बैठी हुई हैं और लास्ट में तिर्यंच बैठे हुए हैं। प्रभु की दिव्य ध्वनि खिल रही है। वहां पर राजा शरीक प्रभु के शमशरण में जाकर के 60,000 प्रश्न पूछ रहे हैं और प्रभु ने 60,000 प्रश्नों का उत्तर दिया। विस्तार से समझाने के लिए गणधर विराजमान है। सभी भव्य जी उस समय शरण में अपनी अपनी शंका लेकर के गए हुए हैं। किसी के अंदर कोई शंका है, किसी के अंदर कोई शंका है। जब प्रभु की वाणी किसी उद्देश्य को लेकर के नहीं खिलती है, प्रभु के सारी क्रियाएं सहज में होती है और वाणी भी खिलती है तो सहज में खिलती है। कितने बार वाणी खिलती है आप लोगों को पता है कि प्रभु की वाणी कितनी बार खिलती है? वैसे तो 3 बार का आया है, लेकिन 4th बार जब विशेष पुरुष का आगमन होता है शमोशर के अंदर, तब प्रभु की वाणी खिलती है। विशेष जो पुरुष होते हैं, जिसे हम पुण्यशाली जीव कहें और पुण्यशाली जीव के भाग्य से प्रभु की वाणी खिल जाती है। कई बार लोग कहते हैं फलाने आ जाते हैं तो फलाने महाराज के दरवाजे खुल जाते हैं। कई बार मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं वहां जाओ तो दर्शन ही नहीं होते, वहां तो बड़े बड़ों की पूछ है, बड़ा व्यक्ति आ गया तो दरवाजे खुल जाते हैं और सामान्य व्यक्ति भगवान की शमा शरण में भी जब पुण्यशाली जीव गया
तो अचानक वाणी खिल गई, यह सब क्या है? जीव का पुण्य है, उसमें हमें विकल्प नहीं करना चाहिए। और जब भगवान की वाणी खिलती है तो सहज में शंका का समाधान हो जाता है। भगवान की वाणी में कहीं भी कोई मिलावट होती है क्या? हम और तुम तो मिलावट कर सकते हैं, लेकिन प्रभु की वाणी में मिलावट नहीं मिलेगी। प्रभु की वाणी शाकवाद वाणी है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। ऐसी शाकवाद वाणी, जो प्रभु की वाणी शाकवाद वाणी है, वही प्रवचन कहलाती है। प्रभु की प्रवचन रूपी जो वाणी है, जो ओंकार ध्वनि रूप वाणी है, जो दिव्य ध्वनि है, उसमें प्रभु से पूछा, प्रभु आवश्यक क्या है? श्रावक की भूमिका में आवश्यक क्या है और साधु की भूमिका में आवश्यक क्या है? क्योंकि प्रवचन भक्ति के बाद नंबर आता है आवश्यक परिहार्य भावना का। तो प्रभु ने अपनी दिव्य ध्वनि में बताया, जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता उसे आवश्यक कहते हैं। तो फिर पूछ लिया, प्रभु हम अज्ञानी जीव हैं, हमें डिटेल में समझाइए, विस्तार से समझाइए कि आवश्यक क्या है, कैसे काम नहीं चल सकता है। तो प्रभु ने कहा, क्षुधा को मिटाने के लिए क्या आवश्यक है? भोजन आवश्यक है। जब प्यास लगी हो तो क्या आवश्यक है? पानी। तन पर पहनने के लिए वस्त्र आवश्यक है। इस जीव को रहने के लिए, हमें और तुम्हें रहने के लिए मकान आवश्यक है। परिवार को चलाने के लिए क्या आवश्यक है? धन। और धनोपार्जन करने के लिए व्यापार आवश्यक है। उसी प्रकार से धर्म की वृद्धि करने के लिए, धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए श्रावक की भूमिका में षट आवश्यक बताए हैं। वे षट आवश्यक किस प्रकार से है? देव पूजा, पहला कौन सा है? देव पूजा। यह किसका है? साधु का कि श्रावक का? श्रावक का। और आप लोग करते हो कि नहीं करते? पहला किसकी? सच्ची
देना कि हितोपदेशी जो चार घातिया कर्मों से रहित है, 18 दोषों से रहित है, वीतरागी है, हित का उपदेश देने वाले हैं, 46 मूल गुणों से सहित हैं, ऐसे वीतरागी प्रभु की पूजा देव पूजा है। और प्रभु के सामने जब पूजन करने जाते हैं तो प्रभु से क्या कहते हैं? नंदीश्वर दीप की पूजन में आता है, अलग चुके थे तुम्हें को क्या कहा है? क्या कहा है कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे चरणों में, आपके चरणों में क्या समर्पित कर रहा हूं? अर्घ समर्पित कर रहा हूं किस भावना से? हे भगवान, जो आपके पास वैभव है वह वैभव निज हित मुझे प्राप्त हो। इसी भावना से करते हो ना। जब और भी अर्घ चढ़ाती हो, जब जल चढ़ाती हो तो क्या कहती हो? हे प्रभु, जल में जला मृत्यु आपकी तो विनश गई, आप तो मुक्त हो गए, अब मेरा भी संसार रूपी आपसे प्रभु आप तो मुक्त हो गए, मैं भी मुक्त हो जाऊं। आपने अक्षय पद की प्राप्ति कर दी है प्रभु, मेरा वह सौभाग्य कब आएगा कि मुझे भी अक्षय पद की प्राप्ति हो? मेरा काम बांधव फिंसे का प्रभु, जब नैवेद चढ़ाते हो तो क्या कहते हो? क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्ववाममीति, क्या कहते हो कि प्रभु मेरी क्या विनश जाए, क्या विनश जाए? छुटा मुझे जो भूख लग रही है वह भूख शांत हो जाए, और जब भूख शांत हो जाए तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास जाते हो। क्यों? आप ही ने तो प्रभु से कहा था कि प्रभु मेरी क्षुधा विनश जाए, और जब भूख लगना कम हो जाए तो बगल में, मंदिर के बगल में कोई डॉक्टर की दुकान हो, हॉस्पिटल हो, बैची का हो तो वहां चले जाते हो। बैची बैची कोई चूरन दे दीजिए, मुझे भूख नहीं लगती। कैसे माया चाली करते हैं, कैसा छल करते हैं, कैसा कपट करते हैं। एक और तो कह रहे हैं कि छुदा विनस जाए, और एक और कह रहे हैं प्रभु क्या है? नैवेद्य के बाद क्या चढ़ाते हो? दी हे प्रभु, आपने तो मोहांधकार पाप का विनश किया है, आपने सम्यक दीप प्रज्वलित कर लिया है कि
केवल ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट करनी है। मैं मोह ममत में फंसा हुआ हूं, हे प्रभु शीघ्रता से मेरा मोह रूपी अंधकार समाप्त हो तो मेरे भी कर्म विनाश जाएं। कितने कर्म हैं? 8 कर्म हैं। जो ये अष्ट कर्म हैं, ये अष्ट कर्म जब मेरे विनाश जाएं और जब 8 कर्म विनाश जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? मोक्ष पहुंच जाओगे। मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामेति स्वाहा। इस प्रकार से प्रभु के चरणों में जाकर के पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, चिंतन करते हुए और नहीं तो जल्दी जल्दी पड़ा घर में जाकर के भोजन बनाना है। गैस के ऊपर कुकर रखकर के आए हैं, पति देव को कहाँ भेजना है? ऑफिस भेजना है, दुकान भेजना है। अरे क्या है, अपने लिए कुछ तो समय निकालो। पल का पता नहीं है। ये जो 10 लक्षण पर्व लग रही है और कम से कम 10 लक्षण पर्व में तो अपने लिए कुछ समय निकाल लेना। और यहाँ पर 10 लक्षण विधान होगा। एक एक दिन एक एक विधान होगा। एक एक के अर्घ चढ़ाए जाएंगे, आपको बताया जाएगा सभी का महत्व कि हमारे जीवन में इन 10 धर्मों का महत्व क्या है। यदि आप लोगों ने मन भी ना बनाया हो तो मन बना लेना कि हमें परसों से विधान में जरूर बैठना है और नवीन जी समय पर समाप्त भी कर देंगे, आपको आकुलता भी नहीं होगी। समय पर आप घर के सारे कार्य करेंगे, इसलिए मन जरूर बना लेना। देव पूजा के बाद गुरु उपास्ति, गुरु की उपासना कैसे करें, कैसे करें गुरु की उपासना, गुरु की भक्ति कैसे करें, गुरु के चरणों में कैसे आए। जो गुरु भक्त होता है, जिनके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा होता है, चाहे वह कहीं भी जा रहा हो, रास्ते में गुरु के दर्शन हो जाए, दूर से ही गुरु दिख जाए तो हाथ जोड़े बिना नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक गुरु का आहार ना हो तब तक मुख में पानी भी नहीं डालते हैं।
उपासना के बाद नंबर किसका आता है मालूम है? छह आवश्यक भी नहीं मालूम, याद नहीं है बंदा। देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय, स्वाध्याय किसका करे? शास्त्रों का, शास्त्रों का अध्ययन करती हुई हमें किसका अध्ययन करना है? अपना। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्व अध्ययन, जिससे स्वयं का अध्ययन हो जाए वह स्वाध्याय है, जो जीवन में उतर जाए, जो चिन्वाणी रूपी अमृत है उसका रसा स्वादन हो जाए, वह हम अंतरंग में पी जाए। जैसे कि प्यास लगती है तो ग्लास में पानी होता है तो हम पी जाते हैं, साधु के हाथ में जल देते हैं और भी चीजें देते हैं तो साधु अंजलि बना करके पी जाता है। उसी प्रकार से जब जो ज्ञानी जीव होता है वह कषायों को क्या करता है? पी जाता है। यदि सामने वाला कुछ कह रहा है उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, कौन सी बात? बुरी बात। और नहीं तो आप छल ग्रहण कर ले कि माता जी ने कहा है कि सामने वाले की बात पर ध्यान नहीं देना। तो आपके सामने अभी कौन बैठा है? अच्छी बात की तरफ ध्यान देना चाहिए और बुरी बात की तरफ पीठ कर लेना चाहिए। अच्छी बात ग्रहण कर लेना चाहिए और बुरी बात छोड़ देना चाहिए। बुरी बात की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए तो हमें जिनवाणी रूपी अमृत को पीना है। पीने की बात आई तो एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक बार एक व्यक्ति ससुराल पहुंचा, उसके मन में आया कि जीएसटी लगी हुई है, काम धंधा है नहीं, दुकान बंद पड़ी है, क्या करें? मोदी जी जो करते तो अच्छी बात है, देश के सुधार के लिए कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन की छुट्टी ही सही। और अकेले कहां पहुंच गए? ससुराल में पहुंच गए। और जब ससुराल में पहुंचे सासू ने देखा कि दामाद जी आ गए। सासू थोड़ी सी लोभी प्रवृत्ति की थी, ना दूसरों को खाने देती थी। जब देखा कि दामाद जी आए हैं तो हंसी उसे दिखानी पड़ी, मुस्कुराना पड़ा। एक तो अंदर से गदगद हो जाता है व्यक्ति,
लेकिन उसे मुस्कुराना पड़ा, हंसी उसे दिखानी पड़ी और कहने लगी, दामाद जी आइए बैठिए। जब वे बैठ गई तो वह भी पास में बैठ गई, और जब वह पास में बैठ गई तो कहने लगी, दामाद जी, क्योंकि उसके दिमाग में आ गया था, लोभ आ गया था कि आज दामाद आ गए हैं तो आज घर में हलवा पूरी बनानी पड़ेगी, खीर बनानी पड़ेगी, बहुत सारा घी लग जाएगा, बहुत सारा दूध लग जाएगा, मेवा मिष्ठान लग जाएंगे और घर में बहुत सारा खर्च हो जाएगा। बोले, दामाद जी आप थोड़े से कमजोर से लग रहे हो, क्या बात है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? पिछली बार आए थे तो आप मोटे थे, कोई बीमारी हो गई है क्या आपको? आप बहुत कमजोर लग रहे हो। बोले, नहीं सासू मां। बोले, नहीं, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, आप बहुत कमजोर लग रहे हो, आपको तला पका नहीं खाना चाहिए। बोले, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आप दो चार दिन के यहीं पर रखो, यहीं रहो, मैं जाती हूँ रसोई में और आपके लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना कर ये लाती हूँ। और मैं रसोई में गई और खिचड़ी बना करके तैयार कर ली। जब खिचड़ी तैयार हो गई, सासू के घर चूल्हा जलता था, जब खिचड़ी बन गई तो उन्होंने दामाद जी को बुला लिया रसोई में। दामाद जी आओ, भोजन तैयार हो गया। दामाद जी ने तो सोचा था कि ससुराल जा रहा हूं तो कुछ बढ़िया बढ़िया सा भोजन मिलेगा, बढ़िया बढ़िया सी मेरी दावत होगी, मेरी आवभगत होगी। जब सामने खिचड़ी आई, बेचारा कुछ भी नहीं कह पाया। जब भी कुछ नहीं कह पाया बैठ गया खिचड़ी खाने के लिए। सासू भी दामाद जी के बगल में बैठ गई और पंखा चलाने लगी। दामाद जी खिचड़ी का एक एक दाना उठा उठा करके खाने लगे। क्या बात है, स्वास्थ्य खराब है क्या ज्यादा ही? बोले, नहीं स्वास्थ्य खराब नहीं है। तो बोले, फिर क्या बात है? बोले, मेरी माँ जब खिचड़ी बनाती थी तो खिचड़ी में थोड़ा सा, आपको पता है कि खिचड़ी बनती है तो खिचड़ी में बाद में घी डलता है। तो बोले, इतनी सी बात है, अभी मैं खिचड़ी में घी डालती हूँ और मटकी रखी हुई थी और वे घी जमा हुआ था और लाई और उल्टी कर दी, घी गिरा क्या? दामाद जी खाओ। दामाद जी देख रहे हैं, एक बूंद भी घी नहीं गिरा। अब दामाद जी भी चालाक थे, मैं सासू की चालाकी समझ गई थी। उन्होंने धीरे से पानी का लोटा
रखा हुआ था, ग्लास रखा हुआ था, उसे दमान जी ने हाथ लगा करके गिरा दिया। जब पानी का लोटा और गिलास गिर गया, दामान जी फिर भी एक एक दाना खा रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले माँ जी थोड़ी सी प्यास लग रही है, पानी चाहिए। पानी लेने के लिए सासू गई, उतनी देर में चूल्हे के पास ही दामाद जी बैठे हुए थे, वह हंडी वहीं रखी हुई थी। दामाद जी ने वे चूल्हे के पास हंडी को सरका दिया। तो सासू आने लगी तो हंडी खसका दी। पानी पीकर के पुनः एक एक दाना खाने लगे। किसका? खिचड़ी का। क्या बात है, और घी डालूं क्या? बोले हाँ। अब सासू को मालूम नहीं था कि नीचे से पिघल गया है। सासू ने हड्डी पलटाई, सारा की सारा घी खिचड़ी में। कहते हैं ना, घी कहाँ गया, खिचड़ी में। कहावत है कि घी कहाँ गया, खिचड़ी में। इधर से कान पकड़ो तो हमारे, और इधर से कान पकड़ो तो हमारे। बेटे को दिया तो दिया, मुझे दिया तो दिया, बात तो एक ही है, घी तो खिचड़ी में है और खिचड़ी घी में है। सासू ने जैसे ही हड्डी पलटी, वह की थाली में आ गया। अब सासू तो परेशान हो गई, जिसके लिए मैंने इतने उपाय करे वही काम हो गया, क्या करूं। सासू और चालाक निकली। अब थाली में से भी घी कैसे बचाया जाए? कहने लगी, दामाद जी हमारे यहाँ की प्रथा है कि जब दामाद पहली बार आता है तो सासू और दामाद एक थाली में बैठकर के भोजन करते हैं। बोले माँ जी कोई बात नहीं है, आपका मन है तो एक थाली में बैठकर के भोजन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। अब सासू माँ बैठ गई भोजन करने के लिए। अभी भोजन किया नहीं है, दामाद जी को बातों में लगा लिया कि तुम्हारी माँ मेरी बेटी के साथ ऐसा करती है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी को गाली देती है, तुम्हारी माँ मेरी बेटी से बहुत काम करवाती है, तुम्हें तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। और उंगली कहाँ पर है? थाली में है। एक तरफ से थोड़ा सा थाली को उठा लिया, एक तरफ से थाली नीची हो गई और एक तरफ से थाली क्या होगा फिर? घी नीचे साइड में आ जाएगा। अम्मा जी धीरे धीरे हाथ लगा लगा करके दामाद जी को बातों में लगा रही है, सारी बातें कहती। लेकिन दामाद जी भी कम नहीं थे, सासू से उनकी निगाह कहाँ थी? तिरछी निगाह से बार बार देख रहे हैं कि सासू क्या कर रही है। बैठी सोच रहे हैं सासू को कर देने दो। बोले माँ जी आपने सारी बात कह दी ना, अब मैं कहूँ। आपने अपनी बेटी की
सारी शिकायतें कि बेटी के साथ मेरी माँ क्या करती है, आपने सारी बातें बता दी, लेकिन बेटी को घर में नारी को क्या करना चाहिए? तो बोले बेटा क्या करना चाहिए, फिर थाली उठाता है और थाली पी जाता है, जिस तब से घी होता है सारा घी कौन पी जाता है? दामाद जब सारा घी पी जाता है और कहता है माँ जी घर की बात घर में यदि थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी बात हो जाए तो उसे ऐसे पी जाना चाहिए। तो जिस प्रकार से हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे कि हमें भी अपने अंतरंग में जिनवाणी का श्रवण इसी प्रकार से पी लेना चाहिए, वह तो बात केवल मजाक की थी। स्वाध्याय के बाद संयम का नंबर आता है। संयम किसे कहते हैं? क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, सत्र का टाइम हो गया और जाने वाले जाने लगे। सम्यक प्रकार से यम और नियम का पालन करना संयम कहलाता है और 12 तपों के बारे में आपको बता ही चुके हैं। 6 अंतरंग और 6 बाह्य तप होते हैं और दान 4 प्रकार का दान होता है। उस दान को भी हम आपको 10 लक्षण पर्व में बताने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से श्रावक के शत आवश्यक होते हैं उसी प्रकार से साधु के भी शत आवश्यक होते हैं। सप्ताह वंदना स्तुति स्वाध्याय प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग। तो हमें अपने जीवन में चाहे श्रावक की भूमिका हो चाहे साधु की भूमिका हो शत आवश्यक कर्तव्य को हमें जैसे बने तैसे करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये जो शत आवश्यक कर्तव्य है वे किसी को हानि नहीं दे सकते, लाभ ही दे सकते हैं। इसी का नाम है परिहारणी, जो कि हानि ना करे, जो हानि ना करे नुकसान ना पहुंचाए, इसी का नाम है परिहारणी। तो आज आपने प्रवचन भक्ति को और आवश्यक परिहारणी भावना को सुना समझने का प्रयास किया। बड़ी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की